मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु साष्णम जैनम जयतु साष्णम। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशका जी विराजमान है। प्रेम्यत्व गुण की चर्चा चल रही है। भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, ये क्या बात? ये बात जानने में आ जाए तो लापरवाही मिट जाएगी। दृष्टांत, एक व्यक्ति के पास उसके जेब में उसके हाथ में 1 करोड़ रुपया का हीरा है तो करोड़पति है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में 1 करोड़ रुपए का हीरा होने पर भी वो भीख मांग रहा है, वह सड़क पर सो रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? जिसके हाथ में 1 करोड़ रुपए का हीरा हो वो भीख मांग सकता है? सड़क पर सो सकता है, फटे कपड़े पहन सकता है? हाँ, 1 करोड़ रुपया होना और बात है और 1 करोड़ रुपए का ज्ञान होना और बात है। 1 करोड़ रुपए का हीरा है लेकिन वह उसे कांच का टुकड़ा माने तो भीख मांगता है। ऐसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ये और बात है। आ रहा है सब जीवों को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, परंतु उसकी खबर ना होने से मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, अरे जगत में कहीं से सुख हो जाए, अनुकूलता से सुख हो जाए, पुण्य के उदय से सुख हो जाए, पाप के उदय से दुखी हो गया हूं, ये भिखारी हो गया है, भिखारी हो गया। समझना भाई, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ये बात सच्ची है, लेकिन तुम भिखारी हो। कब तक भिखारी है? क्योंकि जो लोग नए आए हों, मान के चलो पहली बार सुनने आए हों, उनने कभी पूरा द्रव गुण पर्याय ना सुना हो, समय सारजी ना सुना हो, और ये सुन ले मैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है तो मुझे तो अब कुछ करना ही नहीं है। तो कल से अब मंदिर क्या आना, पूजा पाठ क्या करना, स्वाध्याय क्या करना, अनुभव तो हो ही रहा है ना, अब थोड़ी करना है अनुभव, अनुभव तो हो रहा है ना, अब कहाँ अनुभव करना है? भाई समझो, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ये जुदी चीज है। और तुम्हें ये खबर पड़े कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ये जुदी बात है। 1 करोड़ रुपए का हीरा होना और बात है, लेकिन तुम्हारी खबर में तो हो, तुम तो उसे कांच का टुकड़ा मानो तो कब आनंद होवे, सुख कब होवे? मैं तो फिर आत्मा का अनुभव अब कैसे करें? फिर समस्या आ गई ना, आत्मा का अनुभव कैसे करें कि प्रभु इस प्रकार अनुभव करो जैसे अभी कैसेट में चल रहा था। कैसा अनुभव करें कि ज्ञायक में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती है? कैसा अनुभव करो? ज्ञायक में ज्ञेयों का प्रवेश नहीं है। फिर से सुनो, ज्ञायक में ज्ञेय का प्रवेश नहीं है, इसलिए ज्ञायक ज्ञेयों का वेदन नहीं करता है। सिद्धांत वाक्य हो गया। अभी इसको इसका घुटन करेंगे, अब इसका घुटन करेंगे। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, उसमें ये शरीर झलकता है, परंतु आत्मा में शरीर नहीं है।
इसलिए आत्मा में शरीर नहीं होने से आत्मा शरीर का भोक्ता नहीं है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ऐसा भोक्ता आत्मा नहीं है। मेरा चेहरा सुंदर है तो इस परिणाम का और इस परिणाम का वो परिणाम का देह के परिणाम का और मैं गोरा हूं ऐसे विचार, इन दोनों का भोक्ता आत्मा नहीं है। ये दोनों ज्ञेय हैं, ज्ञायक में ज्ञेय झलकते हैं परंतु ज्ञायक में ज्ञेयों का अभाव है। बहुत सरल बात है, दर्पण में अग्नि का अभाव है। दर्पण में अग्नि झलकती तो है लेकिन दर्पण में अग्नि का अभाव होने से दर्पण गर्म नहीं होता, नहीं होता ना है? अपने दर्पण में कौन सा चीज झलकना चाहिए? बहुत बड़ा हवाई जहाज की छोटा सा मक्खी क्या झलकना चाहिए? कि बहुत बड़ा ट्रक, कि हमारे टेलीविजन में कितने ही बड़े बड़े ट्रक झलक जाएं लेकिन हमारा दर्पण चटकने वाला नहीं है, उसमें कुछ भी क्रैक होने वाला नहीं है, क्योंकि मात्र झलकता है। ऐसे भगवान आत्मा में मात्र झलकता है, कसाएं झलकती हैं। 16 पद बनाने के लिए कहा था ना अभी, 33 नंबर की गाथा में 16 पद बनाने के लिए। मात्र झलकता है लेकिन उसी समय भिन्न देखते हैं तो ज्ञानियों को संकर दोष मिटता चला जाता है। भावे भावक संकर दोष मिटता चला जाता है। कठिन हो रहा है, सरल है? दर्पण में क्या होता है देखो, थोड़ा समझाते हैं। देखो कृष्ण थे ना, कृष्ण बस्ती में खेलते थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चंद्रमा देखा। बालकों को चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है, पूरा चंद्रमा आकाश का, पूनम का चांद बहुत अच्छा लगे। उसने माँ को कहा, माँ तू रोज हमें चंदा मामा की कहानी सुनाती है, हैं? आज तुम चंद्रमा को बुलाओ, चंदा मामा को बुलाओ, मामा जी को बुलाओ ना, उसके साथ हम खेलेंगे। तुम रोज कहती हो मामा मामा मामा, आज मामा को बुलाओ, हम उसके साथ खेलेंगे। अभी अब चंदा मामा समझ आया कुछ? चंद्रमा को अब कैसे बुलावे? अब श्री कृष्ण तो हट हट बाल हट है ना, बाल हट रोने लगे। हमें तो चंद्रमा, अरे बेटा चंद्रमा आकाश में, इधर कहां से आवे? अब रोवे, हमें तो चंदा मामा चाहिए बस, हमें नहीं मालूम कैसे आएगा कहां से आएगा, हमें नहीं मालूम। अब माता तो माता ही करे क्या बच्चे की हट। उसने एक कोपर में थाल में पानी भर के कहा, बेटा आओ, चंदा मामा आ गया। चंदा मामा देखते ही बालक तो खुश, अब खुशी खुशी में उसने कहा, खेलूंगा तो बाद में, पहले मैं अपने दोस्तों को बताऊं कि आज मेरे घर में चंदा मामा आए हैं। तो वे अपने सखाओं को सुनाने के लिए बाड़ी में दौड़ के चले गए, बस्ती में, सुनाओ सुनाओ मेरे घर में चंदा मामा आए हैं, अब मैं उनके साथ खेलूंगा, उनके साथ रहूंगा, आदि आदि, समझ गए? तो ग्वाड़ी के जो वो थे ना सारे सखा बोले, चंदा मामा आए तो घर में क्या कर रहे हैं, उन्हें इधर ही लिया ना, अपन सब मिलकर उनके साथ खेलेंगे, तुम अकेले अकेले क्यों खेलोगे, यहीं लाओ ना। कृष्ण ने कहा, बात ठीक है, अब तो समझ गए ना। दौड़े दौड़े घर पहुंचे और उस पानी में हाथ डाल करके चंद्रमा निकालने की कोशिश की। क्या आ गया हाथ में? चंद्रमा आ गया ना, क्या भैया चंद्रमा आ गया नहीं आया? देखिए छोटा सा बालक कह रहा, चंद्रमा नहीं आया, क्यों नहीं आया? है तो सही ना, पानी में चंद्रमा है ना, पानी में चंद्रमा है ना, झलक रहा है, तो फिर पानी में चंद्रमा है ना, झलकने पर चंद्रमा नहीं है, झलक रहा है वो झूठा है। ध्यान से सुनना एक एक बात, झलक रहा है वो झूठा है, चंद्रमा नहीं है। आहा, वस्तु के नजदीक जाने पर जो मिले वो वस्तु है, वस्तु के नजदीक जाने पर जो नहीं मिले वह नहीं है। धीरे धीरे सुनो, वस्तु के नजदीक पानी के तल में जाने पर चंद्रमा नहीं मिला, इसका मतलब चंद्रमा नहीं है।
ऐसे ज्ञान भगवान के नजदीक जाने पर गे नहीं दिखाई दिए, इसका मतलब गे नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा में ज्ञान तो है, ज्ञायक तो है, परंतु राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कर्म नहीं है, कसाय नहीं है, शरीर नहीं है, कुछ नहीं है। एक ज्ञान 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 के सिवा कुछ नहीं। पानी में क्या है? पानी में क्या है? पानी 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 के सिवा कुछ नहीं है। अभी एक जवाब आया, प्रतिबिंब है। चलो चंद्रमा तो नहीं है, चंद्रमा तो बोल रहा, परंतु चंद्रमा का प्रतिबिंब तो है ना, चंद्रमा का प्रतिबिंब तो है ना। चलो लाओ प्रतिबिंब निकाल के दो, आप निकाल के दो प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब निकाल कर दो, वहां पानी के सिवाय क्या है? तो फिर सब प्रतिबिंब दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है कि जो तुम्हें दिख रहा है वो पानी की स्वच्छता है। बस पानी की निखालिसता है, वहां प्योर H2O है, ख्याल में। तो फिर चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का प्रतिभास भी नहीं है, मात्र पानी है, बराबर। ऐसे ही आत्मा में शरीर तो नहीं है, आत्मा में राग द्वेष तो नहीं है, आत्मा में कर्म तो नहीं है, आत्मा में विकल्प तो नहीं है, लेकिन उनका प्रतिभास, उनका झलकन वो भी नहीं है। इसका नाम है खरे खर पर जणा तो नथी, खरे खर आत्मा जाननारो जनाय छे। आत्मा जानन हार ही जानने में आ रहा है, दूसरा कुछ जानने में नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें चतुराई चाहिए थोड़ी सी, मोटी बुद्धि से नहीं काम चलेगा, थोड़ी सूक्ष्मता से काम चलेगा। सूक्ष्म कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है तो सूक्ष्म है, बस समझ में आ रहा है, बस सूक्ष्म हो गई बुद्धि। अब चिंता नहीं करना, नहीं सूक्ष्म के चक्कर में पड़ गए, ये भी बड़ा आफत है। समझ में आ गया, तो यही सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं करना ऐसे, समझ आ रहे, समझ आ रहे। फिर से बाप क्या है? कुछ भी तो नहीं है, आत्मा में शरीर तो नहीं है लेकिन शरीर का विकल्प नहीं है, ध्यान से सुनना। आत्मा में भोजन तो नहीं है लेकिन भोजन करने का विकल्प मेरे में नहीं है। अभी तक तो यही पाठ सुना था पंडित जी, आत्मा भोजन तो नहीं करता लेकिन भोजन करने का भाव करता है, नहीं आत्मा स्त्री पुत्र आदि को तो नहीं छूता परंतु छूने का भाव तो कर सकता है ना, कर सकता है ना, लेकिन जो भाव कर सकता है वो राग है, वो गे है, गे गे गे, वो गायक नहीं है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो एक तरफ राम एक तरफ ग्राम, एक तरफ राम माने भगवान आत्मा गायक 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 गायक, और एक तरफ आश्रम बंद राग द्वेष कर्म कसाएं गति और मोक्ष, ये भगवान। समझ आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है? एक तरफ गाय 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 गाय, एक तरफ संबंध निद्रा मोक्ष। भगवान आत्मा में मोक्ष नहीं है, ये भगवान। नमो अरिहंताणम। चलो भगवान को बाद में देखेंगे, पहले अपने को ही देखेंगे, पहले अभी भगवान को तो बाद में लेंगे, मोक्ष को बाद में लेंगे, थोड़ा अपना ही तो लो पहले। देखो एक बात बताता हूं, जब आप देखना ध्यान से सुनना, आप राग द्वेष के द्वारा भी आत्मा का ही तो परिचय करते हो ना। बोलो, हमने कोई गलत काम किया, गलत निर्णय कर लिया, गलत बोल दिया, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि मैं कितना बुद्ध हूं, कितना बेअकल हूं। तो आपने उस वचन का ज्ञान किया कि वचन के माध्यम से बेअकल आत्मा का ज्ञान किया? क्या ज्ञान किया आपने? प्रश्न पूछा मास्टर ने, कोई भी प्रश्न पूछा, कोई धनुष किसने तोड़ा, तो जिस बालक को मालूम था वो चहक रहा है, वो कोई रामचंद्र जी के बल पर नहीं चहक रहा है, वो धनुष टूट गया इसके बल पर नहीं चहक रहा है, मास्टर जी ने पूछा इसलिए नहीं चहक रहा है। उसी समय मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरा अस्तित्व इंटेलिजेंट है, मुझे करेक्ट नॉलेज है, वो करेक्ट नॉलेज के बल पर चहक रहा है। मैं बुद्धिमान आत्मा हूं, मैं बुद्धिमान बालक, ओ बालक तो शरीर है, सारा शरीर कोई, बुद्धिमान कौन है? शरीर की आत्मा,
आत्मा है, ओ मैं बुद्धिमान हूँ, जो फीलिंग करने वाली अथॉरिटी है, एहसास करने वाली अथॉरिटी है, नॉइंग पावर जिधर है, बालक उस अस्तित्व में चहक रहा है, चहक रहा है, गुरुजी मैं बताऊं, बताओ बेटा कि धनुष रामचंद्र जी ने तोड़ा था, और नाच नाच कर रोम रोम वचन के बल पर। तो इस ज्ञान की एक एक परिणति में ज्ञायक ही प्रसिद्ध हुआ ना, है? राग के काल में राग प्रसिद्ध नहीं हुआ, रागी आत्मा प्रसिद्ध हुआ। ध्यान से सुनना, अभी रागी, मैं कितना रागी हूं, मैं कितना लोभी हूं, मुझे बहुत लोभ है, मुझे बहुत खाने का भाव है, मैं कितना लोभी हूं, तो तुमने आत्मा का परिचय तो किया, मिथ्या दृष्टि ने भी राग का परिचय नहीं किया, आत्मा का परिचय किया। खरेखर तो आत्मा जणाय छे, पर केम रीते जणाय ने इसमें फर्क है, बस केवी रीते, किस प्रकार जणा रहा है, कि राग जानने पर राग खोटा है ये नहीं जानने में आया, मैं खोटा हूं ये जानने में आया। तो ये राग ये है और रागी हूं ये ज्ञायक है, तुमने ज्ञायक को रागी अनुभव किया, इसका नाम मिथ्या। अपने घर से तो नहीं बोल रहा ना, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध हो गई चर्चा अब तो, मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं, भीतरा विज्ञान भाग एक उसमें आत्मा परमात्मा का पाठ आया, उसमें आया मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं, जो देहादि बाह्य पर पदार्थ, देहादि बाह्य पर पदार्थ, द्रव कर्म, नौकर्म और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, इनमें जो अपनापना अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। तो अभी शरीर में अपनापना अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि, आठ कर्म में अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि, और मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों में अपनापना अनुभव करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, कि पंडित जी मेरे से खोटा आत्मा कौन होगा, ये खोटा आत्मा अनुभव किया, काय के बल पर किया विवेक, कि मुझे तो रोज नई नई ड्रेस खरीदने का भाव आता है, तो नई नई ड्रेस का ज्ञान नहीं किया, और नई नई ड्रेस खरीदने का भाव का ज्ञान नहीं किया, और दोनों भावों के बल पर तुमने खोटा आत्मा का ज्ञान किया, इसका नाम मिथ्यात है। सुनो प्रभु सुनो, वस्त्र के कारण आत्मा खोटा नहीं होता, और वस्त्र पहनने के भाव या खरीदने के भाव से जीव खोटा नहीं होता, इसलिए ध्यान से सुनो, इसलिए वस्त्र नहीं होने से कोई महान नहीं होता, और वस्त्र पहनने का भाव नहीं आवे तो महान नहीं होता। जैम पशु, पशु को नए नए ड्रेस ड्रेस देखकर लेने का भाव नहीं आता, पहनने का भाव नहीं आता, पहनता भी नहीं है तो महान हो गया, महान हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। सुना, उसको उस जाति का उदय नहीं है इसलिए वैसा भाव नहीं है, उसको उस जाति का उदय नहीं है रिले केंद्र इसलिए उसको वैसे वस्त्र नहीं है, और तुम्हें है इसलिए आते हैं, आते तो हैं वस्त्र तो आते हैं, वस्त्र खरीदने का भाव आता है, आता तो है लेकिन नहीं आता है, आता तो है, ऊपर चंद्रमा है इसलिए पानी में चंद्रमा झलक रहा है, सूरज नहीं झलक रहा, ऊपर चंद्रमा इसलिए झलक रहा है, अब पानी के अंदर जाके देखो तो चंद्रमा है क्या, नहीं है तो चंद्रमा की झलकन तो है कि नहीं, ये पानी की स्वच्छता है, पानी स्वच्छ नहीं हो तो नहीं झलके, बराबर शांति से आए तो मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ही मेरे भगवान आत्मा में वस्त्र है इसलिए वस्त्र का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वस्त्र पहनने का भाव है रागादि गे 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 झलकने योग्य गे, वे मेरे में झलक रहे हैं, लेकिन जब आत्मा के नजदीक जाकर देखा तो ज्ञान की स्वच्छता के सिवाय कुछ नहीं था। क्या कहा, ज्ञान की स्वच्छता के सिवाय कुछ नहीं था, इसलिए वे रागादिक भी मेरे नहीं होने से, ऐसा जानने से अब मैं रागी हूं ये अनुभूति मिट गई, इसका नाम सम्यक दर्शन। मैं रागी हूं, अभी क्या मान रहे थे, मैं रागी हूं, पानी में कितने चंद्रमा हैं, कितने चंद्रमा हैं, चंद्रमा का प्रतिभास तो है क्या, कुछ भी तो नहीं है, निकाल के तो बताओ, निकाल के बताओ, जो जिसमें हो उसे निकालो,
होए तो निकलना चाहिए ना, नहीं निकलता। बहुत ध्यान से सुनना शांति से। ऐसे ही घबराओ मत, राग है परंतु आत्मा रागी नहीं है, शरीर है लेकिन शरीर का भोग आत्मा को नहीं है। समय से तो सुसंधी हो जाएंगे कि बिल्कुल नहीं होगे, परम संयमी होगे, परम संयमी। ये लाइन जंगल में जाती है। क्यों परम संयमी होंगे? अरे जब मैं शरीर का ज्ञाता भी नहीं हूं, शरीर मेरे में झलकते मात्र हैं, लेकिन जब अंदर जाकर देखते हैं तो झलकन भी नहीं, पानी पानी है, केवल पानी पानी है, कुछ भी नहीं है। अग्नि भी झलकती है दर्पण में, लेकिन दर्पण में दर्पण के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए दर्पण गर्म नहीं होता। दर्पण के सामने रसगुल्ले दिखाए जाने पर रसगुल्ले झलकते तो हैं, लेकिन दर्पण में रसगुल्लों का अभाव होने से रसगुल्ला के कारण, झलकने के कारण दर्पण मीठा नहीं हुआ। मिठास का भोग दर्पण को नहीं हुआ, उष्णता का भोग दर्पण को नहीं हुआ। ये दृष्टांत अब आत्मा में लगाओ। ऐसे ही आत्मा ने आज तक पाप की उष्णता को नहीं भोगा, कसाय की उष्णता को नहीं भोगा, पाप के उदय में उत्पन्न होने वाले असाता का उदय में दुख, उस दुख को भी नहीं भोगा। दुख तो है, दुख को नहीं भोगा, और इसीलिए पुण्य के उदय के सुख को भी नहीं भोगा। ऐसा जान करके अब मैं किस देह को भोगने जाऊं? नहीं आए समझ में? अब किसको विकल्प आए कि मैं देह को भोगने जाऊं? ऐसी स्त्री होवे, ऐसा दुकान होवे, ऐसा पैसा होवे, ऐसी सामग्री हो, किसको विकल्प आए? इस तरह ये लाइन जंगल में चली गई, इस तरह ये लाइन जंगल में चली गई। नहीं आया समझ में? भैया बालक को भूख लग रही थी बहुत जम के, और आज घर में लोट नहीं है, यानी कोई साधन नहीं भोजन बनाने का, और मेहमान आ गए विवेक जैसे भूखे प्यासे आए। अब क्या करें, मतलब घर में तो कोई सामग्री है नहीं, और एक डेढ़ दो ढाई बजे करीब आए, ढाई बजे है ना, तो इनने कहा साहब भूख लग रही है, भोजन करना है। तो हमने कहा साहब घर में भोजन तो नहीं है, भोजन पानी कुछ नहीं है, लेकिन आप चिंता नहीं करो, वो टेलीविजन पर ढाई बजे अभी प्रोग्राम आता है, वो उसमें नई नई मिठाइयां, नई नई वैरायटी, आपके मुंह में पानी आ जाएगा देखकर। नहीं आ जाता? क्यों आ जाता है ना? नहीं, आप चिंता नहीं करो, आप शांति से बैठो, अभी न्यूज निकल जाने दो, न्यूज निकलने के बाद अब भी आने वाला ही है बस। हाँ भैया बोलो, भैया क्या खाना है आज? आजकल तो फैसिलिटी भी हो गई ना, टेलीफोन कर दो दूरदर्शन केंद्र को कि साहब ये रिले कर देना, आप आज रिले कर देना थोड़ा आज। तो भैया क्या रिले कराओगे? बोलो बोलो, खट्टे खट्टे पदार्थ, कड़वे कड़वे पदार्थ खाने के कि मीठे मीठे? क्या है डिमांड आपकी? बोलो, अरे बोलो ना, अरे रे ध्यान से सुनना। टेलीविजन देखने वाले भले ही टेलीविजन में वो दिखाए जाने वाले व्यंजनों को देखकर चहकें, चहकें, ध्यान से सुनना मेरा दृष्टांत, चहकें, अरे आज तो शांति शांति, बहुत जोरदार व्यंजन आ रहा है, बहुत बढ़िया, देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत मीठा होगा, बहुत मधुर होगा, बहुत अच्छा होगा, शांति से समझो, शांति से सीखो। लेकिन अंदर एक धारा चल रही है कि इन्हें हम भोग सकते नहीं, इसका नाम दर्शन हुए का अभाव, इसका नाम दर्शन हुए का अभाव, ये हमारे खाने में नहीं आएंगे, फिर भी इन्हें हम अच्छा कह रहे हैं, ये चारित्र मोह, देख रहे हैं, चहक रहे हैं, देखने का भाव हो रहा है, ये चारित्र मोह, लेकिन ये अच्छी तरह से मालूम है कि इन्हें हम भोग नहीं सकेंगे, ये अच्छी तरह से मालूम है कि चाहे इसमें रसगुल्ला आ जाए तो भी पुण्य का उदय नहीं है, और चाहे नमकीन दिखा दें तो भी पाप का उदय नहीं है, क्योंकि मात्र दिखाया जा रहा है, यहां भोग संभव नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे ही ज्ञायक में गेय का अभाव होने से, ज्ञायक में पुण्य पाप गेय है, और उस पुण्य पाप के गेय का ज्ञायक में अभाव होने से आज तक मैंने भोगा ही नहीं है, इसलिए ज्ञानियों को समता भाव हुई, समता भाव प्रकट हुआ, वितरकता प्रकट हुई, इसलिए ज्ञानियों को अब एक आंछा नहीं रही,
ज्ञानियों को एक आशा नहीं रही कि आज पुण्य का उदय आ जाए तो अच्छा है, साता का उदय आ जाए तो अच्छा है, पैसा आ जावे तो अच्छा है, स्त्री हो जावे तो अच्छा है। शांति सुनना, एक एक बात नहीं होता। इसका नाम दर्शन मोह मिट गया। उसे मालूम है कि स्त्री आएगी तो भी नहीं भोगूंगा, ये शरीर को ही नहीं भोगता, अपने ही शरीर को नहीं भोगता तो दूसरे शरीर को कहां भोगे? दूसरा धन कुटुंब पैसा खाना पीना इज्जत आबरू कौन भोगे? अरे रे ज्ञायक में ये सब गेयों का अभाव होने से मैं उनका कर्ता भोगता नहीं हूं, इसलिए मेरी डिमांड नहीं रही। लेकिन अभी लेकिन मालूम था कि नहीं भोग सकते, फिर भी टीवी देखने मजा तो आता है ना, वो चारित्र मोह है। देखो देखो आज मिठाई आ रही, देखो 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 ऐसे बना रहे हैं, देखो ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे सब कर रहे हैं सब। इसके बावजूद हमें मालूम है इन्हें हम भोग नहीं सकेंगे, हमें पुण्य पाप का उदय इस टेलीविजन में झलकने से नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे ही ज्ञानियों को भी पुण्य का उदय आने पर हर्ष दिखाई देता है, स्त्री पुत्रादिक होने पर हर्ष दिखाई देता है, लेकिन मैं उस हर्ष का भोगता नहीं हूं, वह हर्ष भी मेरा गे मात्र है। नहीं बोलो, टेलीविजन में रसगुल्ला देखते देखते कितना पेट भरेगा, कितनी भूख मिटेगी, कितना स्वाद आएगा, तो फिर आपकी प्रसन्नता से क्या फायदा? ठीक है, लिख लो आज, लिख लो डायरी में, आज के बाद यदि मिठाइयां दिखाएंगी तो हम हंसेंगे नहीं, प्रसन्न नहीं होंगे कि भाई साहब वो चारित्र मोह है, अच्छे नए नए व्यंजन आएंगे तो तुम चह के बिना नहीं रहोगे, चारित्र मोह है। लेकिन ये हमारे भोग नहीं है, ऐसी बुद्धि का मिटना दर्शन मोह मिट गया, मिथ्यात मिट गया है? अच्छा अभी एक बार बताओ तो फिर आपकी डिमांड क्या है? आगे आगे क्या डिमांड है? कल कौन सी मिठाई देखनी, परसों कौन सी देखनी है, नर्सों कौन सी देखनी है? कि साहब जो झलकाए सब ठीक है, हम पर टाइम होगा तो देख लेंगे और टाइम नहीं होगा तो हमें मतलब नहीं है। क्यों भाविस, कौन कौन सी मिठाई देखते हो भाविन, कौन कौन सी देखोगे? बोलो कल कौन सी देखनी है, परसों हम मीनू बनाओ, मीनू हम पहुंचा देते हैं वहां बॉम्बे रेलवे केंद्र पर। कि साहब आप जरा ये दिखाना, कि साहब उन्हें जो दिखाना वो दिखा देने, हमें फुर्सत होगी देख लेंगे और नहीं होगी तो हमें नहीं मतलब। ध्यान से सुनना, शांति से एक एक एग्जाम्पल। ऐसे ही पुण्य के उदय को जो सामग्री देना हो, छह खंड और 96,000 रानी तो दे दो, और पाप के उदय में सातवें नरक की भीषण विपदाएं देना हो तो दे दो, हमें फुर्सत होगी ज्ञायक से तो हम जान लेंगे। अरे नहीं तो हमें जरूरत नहीं है, हम ज्ञायक 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 भिन्न भिन्न ज्ञायक ज्ञायक देखते देखते हमारा काम पूरा हो जाएगा। क्या डिमांड करें बोलो, क्या डिमांड करें? ये भोगना ही नहीं है ना, क्यों? सोना अच्छा है कि हीरा अच्छा है? बोलो बोलो, माणिक पन्ना मोती बोलो भामिन, क्या चाहिए, क्या चाहिए है? मैं तुम्हें आज करोड़ों रुपए के हीरे मोती दिलवा सकता हूं विवेक, तुम्हें भी भाविन को भी चाहिए, लेकिन मात्र देखने के लिए दिलवा सकता हूं, झूठ नहीं बोल रहे। अभी चलो अभी दिलवा देते हैं, अभी परमात्म प्रकाश जी चलते हैं अपन, जितने हैं सब दिखा देंगे आपको, सब आपके हाथ में रख देंगे, लो लो हाथ में ले लो, ये हीरा ये माणिक ये मोती ये पन्ना ये जवाहरात लो, लेकिन भोगने के लिए नहीं। अब क्या होगा, रहने दो, हमारे पास टाइम नहीं फालतू, हमें अपनी नौकरी पे जाने दो, नौकरी का टाइम वेस्ट होगा हमारा, 500 रुपए पर डे की नौकरी है। दृष्टांत कहने का मतलब क्या निकला, कि ऐसे मूर्ख हम नहीं है कि जिसे हम भोगे नहीं ऐसे हीरे माणिक मोती के नाम पर लुट जाएं और अपना 500 रुपए पर डे गंवा दे। यानी दृष्टांत ऐसे ही भले ही अभी केवल ज्ञान नहीं है हमारे पास, लेकिन एक एक समय में जो ज्ञाय का आनंद है उसे भी हम गेहूं के चक्कर में क्यों लुटाएं, क्यों लुटाएं? जब हमारा भोग नहीं है तो ज्ञायक में गेह का भोग नहीं है, ज्ञायक में गेहूं का कर्तव्य नहीं है, ज्ञायक में गेहूं का एक पना नहीं है, एकत्व नहीं है। कौन मूर्ख होगा जो इतनी अच्छी बात सुनने के बाद अवसंयम में चला जाएगा है? बताओ, हम तो प्रमेय गुण पढ़ा रहे हैं आपको, प्रमेय गुण मैंने कितना गरिष्ठ माल है। गुरुदेव श्री अभी कहते थे अजोड़ चक्षु अजोड़ चक्षु है,
अरे अरे गुरुओं ने दिगंबर मुनिराजों ने कोई आड़तिया तरीके कोई घना उपकार किया है, कोई अद्भुत काम किया है, हैं? ये तो गुरुदेव श्री के तो हृदय में एक एक सेकंड में। अरे दिगंबर मुनियों नी वाणी आसा में आखा जगत भरे पानी। पकड़ में आ रहा कुछ, समझ में आ रहा कुछ? ज्ञायक में ज्ञे नहीं होने से वह उस रूप नहीं होता, उसका कर्ता नहीं होता, उसका भोगता नहीं होता। अब टेंशन क्या है? भोगने की डिमांड नहीं होती तो असंयम नहीं होता। ठीक है, पुण्य का उदय आता है थोड़ा हर्ष होता है, पाप का उदय आता है थोड़ा खेद होता है, टेलीविजन में अच्छे चित्र आए थोड़ा लगता है अच्छा, फिर खराब चित्र आ जाए तो बुरा भी लगता है, लेकिन ये अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसे जब तक अस्थिरता है, कमजोरी है, तब तक शुभ भाव अशुभ भाव जानने में आते हैं। ऐ जानने में आते हैं, मेरे ज्ञायक में नहीं है, ज्ञायक में नहीं आते हैं। नहीं आया समय? क्यों, टेलीविजन रेल आती कि नहीं आती है? देखा टेलीविजन? नहीं, टेलीविजन रेल आती कि नहीं आती है? आ जाती है। किस स्पीड से आती है बताओ ना? टेलीविजन में रेल किस स्पीड से आती है? आती है कि नहीं? दिखती है, दिखती है। आती कहां है? आए तो कचूमर बन जाए उसका। क्यों है कचूमर समझते हो? और टेलीविजन में रेल घुस जाए तो क्या होगा? टेलीविजन में आग लगी है कभी? क्यों टेलीविजन में आग लगी? कभी नहीं लगी। कि पंडित देखी तो बहुत है लेकिन लगी नहीं, नहीं लगी ना? लग जावे तो चले ना, धुआं उठे ना, बास आवे ना। सुन तो सुन, ऐसे ज्ञाय भगवान में पुण्य पाप कसाए दिखते तो हैं लेकिन वहां आग नहीं लगी है, वहां मोह राग द्वेष नहीं हुआ है, कसाएं नहीं हुई हैं, कर्म नहीं हुए हैं, शरीर नहीं हुआ है। नहीं तो वहां पीड़ा होनी चाहिए थी, वहां अशुद्धता होनी चाहिए थी, वहां रागी पना होना चाहिए था, द्वेषी पना होना चाहिए था। चंद्रमा पानी में दिखता तो है, दिखता तो है लेकिन है नहीं। ऐसे ही प्रभु सुनो, चाहे वो शरीर हो, चाहे स्त्री पुत्र मकान दुकान हो, चाहे मोह राग द्वेष के भाव हो, कोई गमे जो पाप का भाव, गमे जो पुण्य का भाव हो, वो दिखते तो हैं लेकिन वहां है नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब खरे खर आत्मी आत्मा है कि रागी देसी आत्मा? आह, जो दर्पण में काले पर्दे को देखकर दर्पण को काला मानते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। दर्पण है जुदा, काला पर्दा है और दर्पण में काला पर्दा दिख रहा है, यह तीनों सत्य हैं। क्या कह रहे हैं? तीनों सत्य हैं लेकिन दर्पण को काला मानना मिथ्यात है, अनंत पाप है, अनंत दुख का कारण है। कठे नहीं सरल है, है? क्या समझ आ रहा भैया? क्या नाम है? जितेंद्र? चिंतन। अच्छा, चिंतन करना इस बात पे। फिर से समझ आ रहा है? दर्पण है, काला पर्दा सामने है, तो क्या दिखेगा दर्पण में? काला पर्दा। तो पर्दा है ना यहाँ, और दर्पण है ना यहाँ, और दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है कि नहीं? हाँ। तो दर्पण कितना काला हो गया? पूरा। कितना, कितना परसेंट, केटला टका? ऊपर ऊपर की नीचे नीचे, साइड में? अच्छा, अभी दर्पण का कालापन दूर करने के लिए कितना अपन साबुन लगाएं? हैं? नहीं हुआ है पक्का? सच्ची बात बता दें, ऐसे ही भगवान आत्मा में से रागा तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, और आत्मा में से कर्म निकालने की लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है, आत्मा में से शरीर निकालने के प्रयत्न की जरूरत नहीं है। जैसे दर्पण काला हुआ कब है जब उसे साबुन लगावे? दर्पण काला हुआ कब है जब उसकी कुटाई करें या वाशिंग मशीन में डालें? क्यों, वाशिंग मशीन में तो धुल जाएगा ना, टूट जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे भगवान आत्मा अनादि से टूट रहा है, उसकी एक एक पर्याय में तकलीफ पैदा हो रही है अनादिकाल से, पर के चक्कर में। कितना सुंदर स्वरूप है, हाँ प्रभु तुम कितने सुंदर हो, जैसे जैसे तीन काल का पूरा बोझ उतर गया ऐसी बात है।
अनादिकाल का सारा टेंशन, हम तो ये सोचते ये भगवान अभी तो विकल्प आता है, विकल्प आता है। अरे कहाँ आता है, कहाँ आता है राग आता है, कहाँ आता है राग, कहाँ आता है? क्यों दर्पण में आग आती है, दर्पण में आग आती है, कहाँ आती है? बताने कर, चलो चलो बताओ कहाँ है कि देखो, देखो कि देखो नहीं बताओ। गेहूं से ज्ञान नहीं होता, कल चल गई चर्चा, गेहूं से ज्ञान नहीं होता, अनुभव से ज्ञान होता है। अनुभव करके बताओ कि दर्पण में आग आई है कि नहीं आई है। ऐसे एक बार तुम अनुभव करके बताओ कि भगवान आत्मा में राग आया है कि नहीं आया है, विकल्प आए हैं कि नहीं आए हैं। तुम दूर से देखकर बातें मत करो, दूर से देखकर बातें मत करो। दूर से देखने पर नौ तत्व सत्यार्थ हैं, दूर से देखने पर नौ पदार्थ सत्यार्थ हैं, लेकिन नजदीक जाने पर नौ झूठे हैं, नौ झूठे हैं। क्या? हा 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 प्रभु, आत्मा में कर्म आए कहाँ हैं, राग आया कहाँ है, विकल्प आए कहाँ हैं, शरीर आया कहाँ है, दुनिया आई कहाँ है? इतना तो नहीं, लेकिन उनके विकल्प भी कहाँ आए हैं? रोटी तो नहीं आई आत्मा में, यहां तक तो मंजूर हो गई आजकल, लेकिन रोटी खाने का भाव तो आता है ना, आता है ना? कि सुन प्रभु, ये रोटी रही, ये आत्मा रहा, और यहां पर रोटी खाने का भाव झलकता है, ये रहा। जैसे दर्पण काला झलकता है, दर्पण में कालापन झलकता है, ऐसे भगवान आत्मा में विकल्प झलकते हैं। तो दर्पण काला कितना परसेंट नहीं हुआ, तो फिर भगवान आत्मा रागी कितना परसेंट? किसका नाम है? जो सिद्धों की अनुभूति है वही मेरी अनुभूति है। मैं भय हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। क्या ऊपरी? ऊपरी क्या? कि तुम ऊपर ऊपर से देखते हो, दूर से देखते हो, अबे वे अंदर जाके देखते हैं। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग बितान, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति, अमित अनंतो शक्ति, अनंत 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 शक्ति, अमित शक्ति, सुख सुख ज्ञान निधान। किंतु अरे रे प्रभु, तुझे इसकी खबर नहीं है, अपने करोड़ रुपए के हीरे की खबर नहीं है, भीख मांगता फिरता है। किंतु आस बस आश आश आशा करके, पत्नी सुख देना, बेटा सुख देना, अरे पैसा सुख देना, किंतु आस बस खोया ज्ञान। करोड़ रुपए के हीरे का ज्ञान खो दिया, ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान खो दिया। बना भिकारी निपट अजान, हिसाब अभी अनादिकाल से भिकारी बन गए वो तो ठीक है, लेकिन अब उपाय तो बताओ, उपाय तो बताओ सुखी होने का। कि कोई उपाय नहीं है, इतना सा उपाय, निज को निज पर को पर जान। उपाय निज को निज पर को पर जान, ये कुछ करने को तो बोलो, करने को तो हम तब बोले दर्पण काला हो गया हो। दर्पण को निज, दर्पण की स्वच्छता को निज, और जो कालापन झलक रहा है वो पर, और दर्पण कालापन कभी लेता ही नहीं, दर्पण कभी काला हुआ ही नहीं, इसलिए जो दर्पण में नहीं रहे वो पर, जो दर्पण में नहीं रह जावे वो पर, और जो दर्पण रह जावे वो स्वयं। कर सकते हो भेद विज्ञान? हो गया कि कर रहे हो? निज को निज, कैसे? भगवान आत्मा को निर्मल जानो, और भगवान आत्मा में झलकते हुए राग को पर जानो। ए राग को नहीं, राग तो पर ही है, झलकते हुए फर्क समझ में आया कुछ? दर्पण में पर्दा तो नहीं है, पर्दे का कालापन नहीं है, लेकिन जो कालापन झलक रहा है ना वो दर्पण नहीं है। एक चीज में दो चीज, एक चीज में दो चीज, दर्पण में दर्पण है, दर्पण में झलकता हुआ कालापन पर,
ऐसे भगवान आत्मा में झलकता हुआ मोह राग देश वो पर और भगवान आत्मा निर्मल ज्ञान 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 वो मैं स्वयं कर सकते हो। जो कर सकता है समझ लो आए वो सम्यक दर्शन कर देने उसका, नहीं कर सके उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना है। निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या कह रहे निशान ही नहीं रहा कुछ भी लेस लेस है। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद स्वपद सुरुचि आई प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की। प्रगति निज आन कि मैं और ए निरखत जिन चंद्र वदन ये और मैं अपनी आन प्रकट हो गई। आन आन समझते हो अभी दीनहीन भिकारी अरे रे पामर 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 अरे भैया पंडित जी रागी हैं द्वेषी अरे क्या बताएं पंडित जी। प्रगति निज आन की पिछान पिछान हो गई पहचान ज्ञान भान की और कला उद्योत होत काम जामनी पलाई। काम जामनी माने काम रूपी इच्छा रूपी विकल्प रूपी जामनी माने रात्रि दर्शन मोह का घोर अंधकार था काम जामनी पलाई चली गई। तो रात दूर करना है अभी करना है नहीं करना सच्ची सच्ची कहो। आगे ऐसा लिखते हैं बहुत बढ़िया भजन है था सुधरो सब काज हमरे सारे काम सुधर गए आज। सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई अचल 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 कभी चलायमान ना हो कभी कम ना हो कभी खत्म ना हो ऐसा ज्ञायक और गेय का भेद जानने पर कि ज्ञायक में गेयों का प्रवेश नहीं है ज्ञायक में गेय अर्थात मोह राग द्वेष नहीं है राग द्वेष मोह की अशुद्धता नहीं है ऐसा जानना अचल रिद्धि चाहिए। अचल रिद्धि चाहिए रिद्धि अचल रिद्धि पाई निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। धन दिन धन छिन धन दिन छिन आज सुगुन सुगुन चिंते जिन राज जवे जब आज मैंने अपने अनंत गुणों का निधान का चिंतवन किया। धन है वह पल धन है वह छिन धन है वह दिन कैसे गरिष्ठ भजन है। देखो बेटा अब तुम्हें भगवान के दर्शन पूजन में मजा आएगा है। धन दिन छिन छिन समझते छिन समय क्षण क्षण धन दिन छिन आज सुगुन चिंते जिन राज जवे और चिंतन करते ही सुधरो सब काज सारे काम सुधर गए हमारे। दौल अचल रिद्धि पाई निरखत जिन चंद्र वदन है। क्यों प्रतिदिन सुबह उठ के दर्पण देखने का भाव आता ही नहीं आता है नहीं आता है दर्पण देखने का भाव। हाँ हाँ वही तो सकल है रोज क्या देखना लेकिन नहीं आहा। तो क्यों भगवान का दर्शन करने नहीं है भगवान का दर्शन जैसे दर्पण बिना चैन नहीं पड़े ऐसे भगवान के दर्शन बिना चैन नहीं पड़े। हा प्रभु आहा ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब समझते दर्पण में मेरा प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब सु मेरा है भली भांति मैंने पहचाना यही 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 समझते हो। मार्केट में गए कोई चीज खरीदने यही यही पैकिंग करना यही 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 ड्रेस यही यही शर्ट यही इसका क्या मतलब यही माने
दूसरी नहीं, इस जैसी दूसरी भी नहीं। कि नहीं साहब ये तो लटकी रहने दो, मैं दूसरी निकालता हूं अंदर से। कि नहीं यही 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 माने ताकत बताना, यही यही। रागी देसी नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, पुत्र नहीं, संयोग नहीं, इंद्र नहीं, चक्रवर्ती का वैभव नहीं। कल गुरुदेव श्री ने ऐसे नहीं चक्रवर्ती की दौलत को लात मारी थी। यही स्वरूप सुमेरा है भली भांति, जो जान दी अरहंतम। ये भली भांति दबत गुणत पजयाते हिम, ये भली भांति। भली भांति समझ गए, द्रव से गुण से पर्याय से, ये भली भांति। आज के बाद मुझे राग की चिंता नहीं रही, राग का टेंशन नहीं रहा, राग गमे जेटलू आवे की झलके, आवे चाहे झलके, हमें दो ही में कोई मतलब नहीं। आना भी पर झलकना भी पर आना भी पर झलकना भी पर, हमें कहीं टेंशन ही नहीं है, हम में तो कुछ होता नहीं है। गायक में गे कृत अशुद्धि नहीं है, एकल की चर्चा का विस्तार हो गया आज। गायक में गेहूं का भोग नहीं है, गायक में गेहूं का कर्तत्व नहीं है। एक मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन तो चाहिए ना, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान। अब जिस ज्ञान में गायक इतना महान दिखाई दिया कि केवल ज्ञान तक की दरकार नहीं रही, केवल ज्ञान की महिमा नहीं रही, जैसे टेलीविजन के रसगुल्ला ऐसे केवल ज्ञान। नहीं पंडित जी सही सही कहो, सही सही, रसगुल्ला तो नहीं भोग सकते लेकिन सिद्ध भगवान केवल ज्ञान को तो भोगते हैं ना। कि तुम्हें बहुत बड़ी भ्रांति है, पर्याय को नहीं भोगा करता, त्रिकाली का वेदन हुआ करता है। पर्याय पर्याय को नहीं भोगती, केवल ज्ञान को नहीं भोगती, केवल ज्ञान ध्रुव ज्ञान को भोगता है। ये व्यवहार व्यवहार निश्चय से देखे जाए तो हमें आत्मा में केवल ज्ञान दिखाई ही नहीं देता। कड़क बात है भैया, आत्मा में जब द्रगुण पर्याय का भेद करें तो केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान का भोग नहीं करती, केवल ज्ञान त्रिकाली ध्रुव ज्ञान को भोगती है। नहीं आई समझ में? दृष्टांत दूं, स्त्री सुबह सुबह उठ करके चूड़ियां पहनने का आनंद लेती है, टिकी लगाने का आनंद लेती है, सिंदूर भरने का आनंद लेती है, श्रृंगार का आनंद लेती है। झूठी बात है, झूठी झूठी बात है, स्त्री श्रृंगार का आनंद नहीं लेती, अपने पति के जीवित होने का आनंद लेती है। यदि पति जीवित नहीं हो तो ये चूड़ियां आनंद नहीं देंगी, यदि पति जीवित नहीं हो तो टीकी का आनंद नहीं होगा। ऐसे ही त्रिकाली गायक भगवान नहीं हो तो केवल ज्ञान की चूड़ियां कहां आएंगी? नहीं झूठी बात कह रही है। अब जिस ज्ञान में जिन मुमुक्षुओं को केवल ज्ञान की महिमा नहीं रही, वहां जाति स्मरण जैसी छोटी मोटी चीजों की क्या वैल्यू रही, मति शुद्ध की क्या वैल्यू रही, अवधि ज्ञान की क्या वैल्यू रही, केवल ज्ञान की जहां वैल्यू नहीं रही वहां मना पड़े की। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैन श्री के जाति स्मरण को देखकर कई लोग इस चक्कर में पड़ गए कि हमें जाति स्मरण हो जाए तो मजा आ जाए। मेरे को ही पूछने लगे, मेरे को भी कम नहीं है जीव कि साहब आप इतना गुरुदेव को बोलते हो, इतना करते हो, आप याद करने की कोशिश करो, थोड़ा उपयोग को केंद्रित करने की कोशिश करो, कहीं आप सोनगढ़ में ही तो नहीं थे? कहीं आप गुरुदेव के आस पास तो नहीं थे? सच्ची बात कह रहा हूं, गादी में बैठ के झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्ची बात है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने प्रत्यक्ष गुरुदेव को, और कहीं बात कुछ ना कुछ तो है। और इसीलिए मालूम क्या हुआ कि तीन जीवों की बात तो मुख्यतः शैली गुरुदेव के सामने, और चौथा जब नारायण का नाम लिया तो लोगों को विश्वास ही नहीं आया कि जी नारायण भाई हो सकते हैं चौथे, ये हो सकते हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, उनने बहुत ट्राई मारी बैंसरी से कि आप और स्पष्ट देखने की कोशिश करो कि कहीं मैं ही तो नहीं था। सच्ची बात बता रहा हूं, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, उन्होंने बहुत ट्राई करी कि कहीं वो चौथा मैं ही तो नहीं हूं। क्या फर्क पड़ता चौथे और दसवें में और पहले में? जिस ज्ञायक में ज्ञेय नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान का आनंद नहीं है, केवल ज्ञान का भोग नहीं है, इतनी कड़क बात सुनने वाले हम और पर्याय पर इतने मोहित हो जाएं कि कदाचित हमारा ही नाम निकल आए। सुनाओ
जिसको ज्ञायक में ज्ञेय दिखाई नहीं देते, जिसको ज्ञायक में केवल ज्ञान दिखाई नहीं देता, वो तो ये कहता है अब हमें केवल ज्ञान की जरूरत कहां है, अब हम कौन तरीके मोक्ष में जाएंगे, मुंह केवली जाएंगे कि बोलते जाएंगे, कि उपसर्ग केवली बन के जाएंगे, कि गढ़धर बन के जाएंगे, कि तीर्थंकर बन के जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ गया बोलो। और फिर भी यदि पर्याय का बलन रह जावे तो हमें समझना चाहिए कि हम कहीं चूक रहे हैं। ज्ञायक में ज्ञेय नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, हे भिन्न भिन्न सत्ता संबंध कदापि नहीं। राग से हमारा संबंध कदापि नहीं, शरीर से हमारा संबंध कदापि, और केवल ज्ञान से भी हमारा संबंध कदापि नहीं। बोलो कौन सी पर्याय चाहिए, कौन सा ज्ञेय चाहिए? हा हा प्रभु, हम तो आज से निर्विकल्प हो गए, हमें कोई ज्ञेय नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है? कितने हो गए निर्विकल्प, हो गए ना, निराकुल हो गए ना, आनंद हुआ ना है? जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना। दर्पण में जो अग्नि झलक रही हो दर्पण की रचना है। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है सब ज्ञान ज्ञान दिखता है। मम ज्ञान सिंधु मेरे, ज्ञान सिंधु, सिंधु माने समुद्र, मेरे ज्ञान समुद्र में। मम ज्ञान सिंधु मेरे, बस 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 ज्ञान ही ज्ञान भरा है, मेरी ज्ञान तरंगों में। समुद्र की तरंगों में क्या है? पानी 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 पानी। मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। ऐसे भजन है कि चुपचाप। अब जब कभी तुम्हें विकल्पों का टेंशन हो, गेहों का टेंशन हो, कर्म का टेंशन हो, मोह का टेंशन हो, राग का टेंशन हो, आज का प्रवचन याद कर लेना बस। और वैसे हम चाहते हैं कि प्रवचन याद ना करना पड़े। कैसेट की नहीं कह रहा हूं कि कैसेट सुन लेना, अभी निर्णय हो गया ना, मेरे में मेरे सेवा कौन है, मेरे में मेरे सेवा कौन है, है? सम्यक दर्शन कितनी दूर, कि शकर की मिठास शकर से जितनी दूर, शकर की मिठास शकर से कितनी दूर, यानी कितनी दूर, तो सम्यक दर्शन कितनी दूर है विनय, है कितनी दूर, तो हो गया सम्यक दर्शन, हो गया बोलो ना, हो गया, खो गया, हमें अपने आत्मा में आत्मा के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, सम्यक दर्शन गे है। सम्यक दर्शन गे है, हमें सम्यक दर्शन कैसे दिख गया, हमें आत्मा में आत्मा तो दिखाई दिया लेकिन सम्यक दर्शन दिखाई नहीं दिया, और जब सम्यक दर्शन होगा तब भी नहीं दिखेगा। अब सही है सम्यक दर्शन। अद्भुत अद्भुत रहस्य प्रभु, अद्भुत अद्भुत। अरे रे, ये गुरुदेव श्री नहीं मिले होते तो भीख मांगने में जिंदगी निकल जाती, अंधेरे में बीड़ी सिगरेट सुलगा रहे होते बैठे बैठे, नंबर दो नंबर चार कर रहे होते पापाचार। बस एक अंतिम चर्चा इसकी और करते हैं, माल तो बहुत है, है? क्या कहेगा, तो एक अंतिम चर्चा। ज्ञायक में ज्ञेयों का कर्तत्व नहीं है, कर्तत्व नहीं है, एक पना नहीं है सिद्ध हो गया, ज्ञेय कृत अशुद्धि नहीं होती है सिद्ध हो गया, साथ में ज्ञेय कृत शुद्धि नहीं होती ये भी सिद्ध हो गया।
केवल ज्ञान कृत शुद्धि नहीं होती, सम्यक दर्शन कृत शुद्धि नहीं होती, इसलिए सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं रही, केवल ज्ञान की जरूरत नहीं रही, आत्मा 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 ही अनुभव में आने लगा। इसका नाम तुम्हें जो रखना हो 144 गाथा के अनुसार, इस एक को संज्ञा मिले, सम्यक और सुज्ञान की इस एक को संज्ञा, संज्ञा संज्ञा माने नाम। अभी ये विवेक है, सो बेटा है, शादी हो जाए तो पति नाम मिल जाएगा, इसी को पति नाम मिल जाएगा, फिर इसकी बहन का लड़का हो जाए तो इसे मामा नाम मिल जाएगा, तो तुम मामा हो जाओगे ना, क्यों तुम विवेक रहोगे कि पति हो जाओगे, तो फिर अभी पुत्र हो कि विवेक हो है? और मामा हो कि विवेक हो, कि जब मैं रसगुल्ला खाता हूं तो ना मुझे पुत्र याद आता, हालांकि उस समय पुत्र हो तुम, लेकिन मुझे पुत्र पाना याद अनुभव में नहीं आता, मैं तो रसगुल्ले का आनंद लेता हूं विवेक, और जब पति बन जाएंगे तो भी रसगुल्ले का आनंद विवेक बन के ही लूंगा मैं, और मामा बन जाऊंगा तो भी। ऐसे ही किसी अपेक्षा से तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित नाम देना हो तो दो, संवरण रिजरा नाम देना हो तो दो, आश्रम बंद नाम देना हो तो दो, और मोक्ष नाम देना हो तो दो, लेकिन मेरे तो अनुभव में एक आत्मा है, दूसरा कोई मेरे अनुभव में बरतने वाला नहीं है। ऐसी कोई अच्छी बात है भाई भवेन। एक अंतिम चर्चा रह गई, वो और लेता हूं, है ना? तो फिर गेहूं का कर्ता तो नहीं है ना, नहीं है ना, पक्का गेहूं से काम नहीं होता है ना। यदि इतनी सी बात समझ में आ जावे तो आज गुरुदेव श्री के जाने के बाद जितनी ग्रुपिंग हुई है वो टूट जाए, इतनी सी बात समझ में आ जावे। मुझे लगता है मेरी सहेली से कल्याण होगा, मेरी सहेली गे है और तुम मेरे लिए गे हो, और गाय का गेहो में चलता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ग्रुप वालों को सम्यक दर्शन होगा। वो तो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा जानते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा, वो ग्रुप तो गलत है, वो ग्रुप गलत है, वो ग्रुप गलत, मेरा ग्रुप सही। अरे लेकिन तुम गेहो में कर क्या सकते हो? गुरुदेव श्री तो ये कहते थे प्रत्येक उपादान अपना निमित्त पहले ही लेकर आया है, मैं ही अकेला निमित्त हूं, क्यों पूरे हिंदुस्तान को सम्यक दर्शन देने के लिए मैं निमित्त हूं, तो मैं दौड़ दौड़ के निमित्त बनूं, भैया मैं आ गया हूं निमित्त बनकर, आओ भैया सब मेरे आ जाओ मेरे क्षेत्र चलें। ये बकवास मिथ्यात्म में से निकलती है। ज्ञानियों को कभी आकुलता नहीं होती दिगंबर मुनिराजों को कि मैं नगरों में जाऊं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, बहुत से जीवों को संयम हो जाएगा, इसलिए नगरों में नहीं जाया करते। क्यों नहीं जाया करते? कि गेहूं से काम, गायक से गेहूं में काम नहीं होता, गायक में गेहूं का कर्तव्य तो नहीं है, इसलिए जिन जीवों को सम्यक दर्शन होगा उन्हें निमित्त मिल जाएगा। मैं किसी के लिए निमित्त बनकर के भटकता फिरूं, कैसेट बनाता फिरूं, सीडी बनाता फिरूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आज ये भी एक बड़ा एक, क्या कहना, स्टेटस बन गया, मेरी सीडी बनी, फिर मेरी इतनी वीडियो बिकी, फिर इतनी सीडी बिकी, तो मोटा मोक्ष हो गया, मोटा पंडित हो गया, मोटा आत्मार्थी हो गया। मैं तो कहता हूं जितनी ज्यादा बिकी उसका मतलब मैं उतना कमजोर था बताने वाला, समझ में आया कुछ, मैं उतना ही कमजोर था बताने वाला। अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं बताया कि उनको वहीं सम्यक दर्शन हो जाता, घर जाने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें? ये सब गुरुदेव श्री की बात कहता हूं मैं, अपनी अपनी तरह से कुछ नहीं कह रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए गुरुदेव श्री भी कहते हैं निमित्त बनने की चेष्टा कौन करे, हम तो निमित्त बनने की चेष्टा करते नहीं है। जगत के जीवों को भवि भागन, जो आए तो आ जावे, नहीं आवे तो नहीं आवे। इसलिए गुरुदेव श्री ने प्रवचन करते समय ये नहीं पूछा कभी कि हम इस गांव में आए हैं, विरोधी कितने हैं, फला कितने हैं, वो कितने हैं, जैन कितने हैं, अजैन कितने हैं, स्वाध्यायी कितने हैं। अरे यहाँ बहुमत तो बिना स्वाध्याय वालों का है, विरोधियों का है। तो रुक जा, अपन भगवान आत्मा से शुरू नहीं करते हैं। धन है दिगंबर मुनिराज, इमायाचारी नहीं करी गुरुदेव ने, सुनाओ भगवान आत्मा। बोलो गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, वो कह के पूरा कर देता हूं। समव शरण में तो शेर भी आता है, सर्प भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते, समझ लो। तो क्या भगवान ऐसा कहते होंगे कि सुनो मनुष्यों, अभी तुम्हारे लिए प्रवचन नहीं चल रहा है, सर्प के लिए चल रहा है, सर्प के लिए चल रहा है, सुनो अब सर्प की चर्चा बंद, अब गड़धरों के लिए,
अब गर्दरों के लिए नहीं, अब जो स्वाध्याय है ना उनके लिए। और ये ब्रिगेड स्वाध्याय गुरुदेव सिंह ने कभी भेद किया ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं यहाँ कौन बैठा है। उनने तो सीधा भगवान आत्मा आनंदपुर भगवान आत्मा, क्योंकि गुरुदेव को मालूम था हम किसी के लिए निमित्त बनने के लिए नहीं आए हैं, हम ज्ञायक हैं और ज्ञायक में ज्ञों का अकर्तापना है। आप मेरे लिए ज्ञ हो सकते हो, यदि हो तो, वैसे तो खरे खर देखा जाए तो ज्ञायक में ज्ञों का भेद ही नहीं है। ज्ञायक 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 के सिवा दूसरी चीज है ही नहीं। ऐसे अनुभव का नाम सम्यक दर्शन। ओम नमः शिवाय।